हमारे अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट्स के साथ लगातार भ्रमणशील हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। हमारे जितने भी जिले के सिविल पुलिस बल हैं, राजपत्रित अधिकारियों के साथ वो लगातार भ्रमणशील हैं। कानून व्यवस्था किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दी जाएगी। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में और SC ST आरक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश DGP प्रशांत कुमार ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसके लिए व्यापक पुलिस बलों की स्थापना की गई है। हमारे अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेटों के साथ लगातार भ्रमणशील है। प्रजातांत्रिक तरीके से सभी जगहों से पत्रक लिए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सभी पक्षों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की वार्ता हो चुकी है और सभी ने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दी जाएगी। वहीं DGP प्रशांत कुमार ने आगे क्या कुछ कहा, देखे वीडियो। विभिन्न राजनीतिक दलों तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा जो भारत बंद का आयोजन किया गया था, उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थापन किया गया है। हमारे अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट्स के साथ लगातार भ्रमणशील हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से सभी जगह पे पत्रक लिए जा रहे हैं, जो मेमोरेंडम थे वो प्राप्त किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जहां तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है, तो हम लोगों ने 245 कंपनी PSE, 8 कंपनी CAPF तथा इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी जिले के सिविल पुलिस बल हैं, राजपत्रित अधिकारियों के साथ वो लगातार भ्रमणशील हैं। सभी संगठनों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता हो चुकी है और सबने ये आश्वस्त किया है कि इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। साथ ही साथ इस तरह के आयोजनों में कुछ उपद्रवी तत्व इसका मौके का फायदा उठा के गड़बड़ी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पे भी हमारी सतर्क दृष्टि है और हमारी फुट पेट्रोलिंग चल रही है। हमने ड्रोन, CCTV तथा वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की है और हम आश्वस्त करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को कि कानून व्यवस्था किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दी जाएगी और इसमें हमें आम व्यक्तियों का सहयोग भी मिल रहा है। सभी तरह जगहों पे बाजार इत्यादि खुले, आम जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा।